माशाल्लाह जी, हमारा जो है ना शोभान का रोजा इफ्तार हो चुका है। साहब देखे इधर अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। मेरे घर में माल मेरे में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह पाक जो भी मेरे बहन भाई देखने वाले जो भी हैं माफ कर दे। मेरी अम्मी कहाँ चली गई थी, मेरी सोनी अम्मी? मेरे पहले उड़े फौत की तरह रोजे के लिए आप ऐसे बोल रहे हो ना, मैंने अम्मी को भी बताया था उस वक्त। वालेकुम सलाम, हाल है? अल्लाह करम है, शुक्र है, तबीयत तो ठीक है। बताओ क्या पढ़ रही हो? सुभान अल्लाह पढ़ रही हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी फिटफाट। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इसमें एक दुआ के साथ के जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। और ये हमारा शाम वाला व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह से सारी रात जागते रहे, सुबह फिर नमाज पढ़ के रोज़ा रख के सो गए थे। तो अभी जो है मैं उठा हूँ, जुहर की नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अबू जान देखें माशाल्लाह कहाँ जा रहे हो जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाल है? अल्लाह करम है, शुक्र है, तबीयत तो ठीक है, खड़ी है। तबीयत क्या है? मैं ठीक खड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक खड़ी है थी, माशाल्लाह अल्लाह पाक में ठीक ही खड़ी रखे। रोजा रखे हुए कहाँ? आपने रोजा रखा है? नहीं तो नहीं रखा। हाँ सही है, आपकी मजबूरी है ना, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ जी हाँ जी, दवाई मिली कोई भी नहीं। अच्छा तो अम्मी ने रखा? नहीं रखा, उसका तो हमारी वजह से नहीं रखा गया ना। वो कह रही थी कि आप लोग, वो असल में ना पता है क्या बात, दरअसल ये हुई कि मैंने मतलब कि मैं तो मस्जिद चला गया था, मस्जिद से जैसे वापस आया तो इधर तकरीबन 3:30 बजे सलमा को उठाया। सलमा सो गई थी, नींद में थी, तो उसको उठाया, मैंने कहा सलमा उठ जाओ, 3:30 हो गए, 2 घंटे। जी बाबा, हाँ क्या कहती है? अच्छा अच्छा अच्छा, बी शलवार पावे। अच्छा अच्छा, अब्बू को काया तू बी शलवार पाया। अच्छा चलो जी, मैं वो बता रहा था कि 3:30 बजे ना मैंने सलमान को उठाया, मैंने कहा यार उठ जा, रोजा रखना है तो सामान वगैरह जो तैयार करना है कर लो। तो उसने कहा रोटी पकी हुई है, तो रोटी बोला कि पकी हुई है, मैं चुप करके फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 5:30 आसान होती है, चलो मैं 5 बजे तक ना मैं तिलावत वगैरह सुन लूँ। अम्मी भी उस वक्त उठी हुई थी, अम्मी ने भी कहा चलो ठीक है, मैं भी रोजे रोटी का कुछ करें तो फिर मुझे बताएं। अम्मी जाकर वो अपने बिस्तर पर गई, अम्मी को नींद आ गई, सलमा अपने बिस्तर पर गई, उसको भी नींद आ गई। मैं इधर बैठक में बैठा आयात सुन रहा था, तो 5:10 होंगे या 20 मिनट होंगे, उस वक्त ना मैं उठा, मैंने कहा यार अभी तक मुझे बुलाया नहीं है, ऊपर से 10-12 मिनट रहते हैं ना कोई खाना ना कुछ। तो आया जो देखा जो सही, ना ही अम्मी जाग रही थी ना ही सलमा जाग रही थी, दोनों सो गई थी। तो फिर मैंने सलमा को बोला तो कुछ नहीं, मैंने कहा चलो वीडियो का भी एंड कर देता हूँ, अजाने होने वाली है, वीडियो का एंड जैसे किया, उसने आवाज़ सुन ली तो वो उठ पड़ी, वो सीधी किचन में चली गई, उसने जो रोटियां पड़ी थी सुबह वाली उसने वही खा के रोज़ा रख लिया। तो अम्मी जो है वो सोई थी, नींद में थी, उनको उठाया भी नहीं। और फिर मैं ना मेरा इरादा भी वो हो गया था कि मैंने कहा यार मैं भी नहीं रखता, तो जब इसको देखा ये सुखिया रोटियां खा रही थी तो मैंने कहा चल यार अलताव तू भी रख ले। मैं फिर चला गया किचन में, मैंने कहा हाँ रोज़ा रख रही है, बोली कि हाँ रख रही हूँ। मैंने कहा मुझे पानी का गिलास दे, पानी का गिलास दिया, मैंने गड़का चलो भाई नियत कर ली नमाज, रोज़ा रख लिया, फिर नमाज पढ़ के ना फिर सो गए। तो ये हुआ हमारे साथ स्टोरी बनी, जबकि हमारा था कि रोज़ा सारे रखेंगे लेकिन वो सोने की वजह से फिर नहीं रख सके। और मेरे अब्बू जान तो वैसे भी उनकी दवाई चल रही है ना, तो इसलिए नहीं रखते। और अब्बू जान आज माशाल्लाह से मौसम ज़बरदस्त किया हुआ है, ये देखे जी मौसम जो है आज वो बना हुआ है और भी रहमत वाला माशाल्लाह।
हाँ रहमत वाला बना हुआ है। कल शाम का जैसे बादल थे अभी तक भी वो, फिर आज देखें धूप ज़रा भी नहीं और मौसम देखें ठंडा ठंडा मौसम हो गया, रहमत वाला मौसम। ऐसे अबू जान? हाँ जी हाँ जी। और इधर जो है आप लोग ट्यूशन नहीं गए? स्कूल क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो स्कूल वो हमने कहा था आज स्कूल नहीं जाना, तो फिर वो अली शुबालीजा को संभालना। तो मस्जिद क्यों नहीं गए? वो भूल गए। नहीं ऐसे भूला नहीं करो, ये आप चीजों के आप फरान आप ही इनको याद दिलाया करो। मैं ये टीवी पर बैठे थे, मैंने इनको कहा जो मैंने कह दिया मैं नहीं जा। हां आप कहती हो मैं भूल गई, झूठ नहीं बोला करो, झूठ बोलना गुनाह होता है। सुन लिया आप तो अच्छी थी, अब गंदी होती जा रही हो, झूठ भी बोलती हो। चलो जी बाकी रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते हैं। और परी अच्छा कहती है आज साको छुट्टी है और ट्यूशन वैसू। वाह जी वाह क्या बात है। हाँ मकना गया, चलो सही है और सलमा जो है उससे भी मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। इधर बैठी है, ये बैठी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक है माशाल्लाह सब ठीक है। हमारा शाम मलावी लोग शुरू हो चुका है, रहिए रहना है हमारे साथ बिल्कुल। और वीडियो स्किप तो नहीं करनी, नहीं करनी। हाँ जी और वो सारी स्टोरी मैंने सुनाई है रात जो हमारे साथ हुई सुबह वाली, जो ऐसे ऐसे आए उठाया फिर। अच्छा वैसे मैं जब उठा के गया आपको फिर नींद आ गई थी? नींद नहीं आई थी मेरे को, मैंने आपको बताया तो था। मेरी आंखें देखें, मेरी आंखें जो है ना ऐसे सफेद तो नजर आ रही है ना, और मेरे आंखों में ना दर्द है और पानी भी नहीं रुकता, ऐसे पानी जो है ना एकदम बहता रहता। तो फिर मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा वो ड्रॉप जो है आपने डाले ही नहीं। वो कैसे डालती? डालूंगी मैं जब नमाज पढ़ी, कुछ देर नफली पढ़ी, फिर मैं सूरह यासीन पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और फिर ना मेरी आंखों में इतनी दर्द हो रही थी ना, जब आए ना वापस मस्जिद से, मैं उस वक्त मैं जाग रही थी, मैं आपकी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं वैसे जो है ना आंखों में दर्द था तो वैसे चढ़ना। फिर उसके बाद जब 3 बजे आपने जगाया रोजे के लिए ना, तो फिर मैं उठी, फिर जो है ना हाथ मुंह धोया, फिर मैं तहज्जुद पढ़ी और फिर भी थोड़ी देर पढ़ती रही। फिर मैंने सोचा कि अभी तो है ना काफी देर है, तकरीबन कोई 5:30 बजे मेरे ख्याल फजर की अजान होती है, 5:30। हाँ तो फिर मैं सो गई, मैंने बोला इतनी जल्दी मैं अब क्या करूँ, क्योंकि सालन भी रखा था मैंने रात, रोटी बना के रखी थी। तो रोटी कहाँ गई थी? रोटी कोई ले गया था, लेकिन फिर भी सारी नहीं लेकर गए थे ना, कुछ पड़ी थी, 1-2 रोटियां मैंने देखी थी पड़ी थी। मैंने कहा फिर अम्मी भी है, सिवैया भी रखी थी जो रात बनाई थी। रोटी के साथ होता है, सिवैयों के साथ कैसे मजा आता है। फिर मैंने इसलिए फिर पता है क्या, अम्मी वो कह रही थी कि मुझे नहीं उठाया, अम्मी भी ऐसे हिसाब से कि अभी तो 2-2.5 घंटे रहते हैं, वो जाके सो गई, उसको भी नींद आ गई। बाद में जब अजाने हो रही थी फिर आई अम्मी, नाराज हो रही थी कि मुझे उठाया भी नहीं, ना ही रोजे का कुछ बोला। तो मैंने कहा अम्मी जान आपको उठाया था, बोली कि 2-2.5 घंटे पहले उठाया था तो फिर क्या करती मैं, इसलिए फिर गई अपने बिस्तर पे, नींद आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने सबको बताया था, आपको बताया था, आपसे तो मैं पूछती रही, आप तो बोला उस टाइम देखूंगा ना। मैंने चलो ठीक है उस टाइम, फिर मैं कितने टाइम को आपको मैंने उठाया, 2 घंटे पहले इसलिए उठाया था। मैंने कहा जो चीज तैयार करनी है कर लो। मैंने फिर भी आपसे पूछा था कि आपने रोजा रखना है, फिर भी आपने बोला हाँ देखूंगा। मैंने कहा रखना है, रखना नहीं है ताकि देखूंगा। अच्छा किस टाइम? उस टाइम जिस टाइम आपने मेरे को जगाया उस टाइम। नहीं सुबह सुबह अच्छा छोड़े हाँ। यार फिर मैंने जिसने रोजा रखना होता है ना वो ऐसे भी रख लेता, वो जो ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, का वो आप नहीं ऐसे है। पानी से भी रख सकता है, रोजे का ही है ना, नियत होनी चाहिए बस पानी से ही रोजा। आप जो है ना आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि जो है ना मैंने कुछ बनाया नहीं रोजे के लिए, आप ऐसे बोल रहे हो ना। मैंने अम्मी को भी बताया था उस वक्त, उस वक्त ना मैंने अम्मी को बोला था
कि अम्मी जो है ना रोटियां भी बना के मैंने रखी है, सालन भी रखा है, सब कुछ रखा है। जिसने रोजा रखना हो वो अपना मतलब के उठ के रोजा रख सकता है, मैंने सब कुछ बना के रखा है। लेकिन अब लोग ना खाएं ना रोजा रखें, फिर जैसे आपने अम्मी को जगाया तो अम्मी खा लेती, आप खुद जागे थे तो आप भी खा लेते, काल आ रही है। लेकिन जब मैं खा रही थी उस वक्त मेरे साथ खा लेते, लेकिन आपको तो ऐसे ही रोजा रखना था। मैं क्या बोलूं, अब सारा इल्जाम मेरे को दे रहे हो कि ना। ओह अच्छा छोड़ो, रोजे में बहस करोगे, ये बताओ मुझे, अगर मैं बहस करने पे आ जाऊँ तो आप कहोगे कि हाँ यार मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, इसलिए मैं नहीं गलत कहना चाहता, बस ठीक है जो हो गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ बना के रखा था, आप लोगों ने अच्छा सब कुछ बना के रखा था। दो ढाई रोटियां बची हुई थी, ठीक है, दो ढाई रोटियां, मैंने वीडियो भी मौजूद है मेरे पास, दो ढाई रोटियां बची हुई थी, दो ढाई रोटियां बची हुई थी। लेकिन दो ढाई रोटियों में मैं जब खाने गई ना, किसी का भी मूड नहीं था, सब ने बोला था जब भी सुबह को मतलब शाम को खाया है ना, आदत नहीं है ना। मैं जब खाने गई ना, हल्के मेरे को भूख भी लग रही थी, फिर भी मैं खाने गई ना, मैंने आधी रोटी पूरी नहीं खाई, दो तीन बुर्कियां मैं खाई, वो सब रोटी उधर की एक आप खाने प्लेट खा ली थी आपने? नहीं, वो अभी मैंने बच्चों को दी। अच्छा, है लड़ती क्यों हो? अभी मैंने बच्चों को दी है सब सेवियां। अच्छा बात कर, लड़ती क्यों हुई? मैं लड़ नहीं रही, मैंने देर बहस की, कोई फायदा मिला ये बताओ? इतनी देर बहस करी है और किसका फोन आ रहा है ये कुछ बताओ मुझे, बता रही थी कि फोन आ रहा है, कहाँ फोन? आपके मोबाइल पे कॉल आ रही थी, मेरे मोबाइल पे। चलो जी मोबाइल वगैरह फोन वगैरह सुनते हैं, और बाकी जो है दूसरा अभी जो है शाम का, उसका क्या मूड है? शाम का क्या मूड है? हाँ ले आओ, कुछ भी नहीं है घर में पकाने को, ले आओ मैं फिर बनाती हूँ। सब्जी ले आऊं जो आपको अच्छा लगे? मुझे क्या अच्छा लगे, मुझे मैं मस्त मौला हूँ, जो चीज मिल जाए जी बिस्मिल्लाह। सब जगह जो आपको अच्छा लगे ना खाने के लिए, मतलब जो चीज आपको अच्छी लगे ले आना, फिर बनाते हैं खाना। मुझे अच्छी लगे, मैं घर वालों की बात कर रहा हूँ, मुझे तो वो फिर आप लोग, मैं सुन रहा था माड़ू लेकर आया, कहते हैं कि ये अजीब बंदा है, जब भी जाता है इसको सिर्फ माड़ू ही नजर आते हैं। नहीं, अम्मी और आपकी बहस हो रही थी, मैं सुन रहा था उस वक्त। सुन क्या रहते हैं आप, वीडियो एडिट करते हैं ना, आप वीडियो चेक करते हैं क्या क्या बातें हुई, किसके खिलाफ हुई, क्या हुआ, वो सब कुछ आप सुनते रहते हो। तो फिर बताओ क्या लेकर आयो? लेकर आऊं नहीं, अल्लाह का नाम ले, भिंडी ना, अम्मी तेरा मामू खाता है, हम नहीं खाते भिंडी, अभी नहीं आई, वो गर्मियों की सब्जियां हैं बेटा, ये सब गर्मियों की सब्जियां हैं। अभी जब आलू, अब मेरे ख्याल हाँ गोभी है, बताऊं है बैंगन, और ये माड़ू है, और वो जो फलियां होती हैं दाने वाली फलियां, दाने वाली फलियां। हाँ कहता था जी। बस अभी जो है ना आलू मटर, आलू मटर होंगे, पालक होगी। तो फिर बताओ जल्दी से बताओ, मैं ले आऊं फिर, मेरा हाथ थक गया है। ओ इतनी देर में बताती नहीं, मेरा हाथ थक गया। इसका मतलब है आपको रोजा लगा हुआ है। हो अल्लाह का नाम माने, मुझको रोजा नहीं लगता, मुझे रोजा नहीं लगता, रोजे का तो पता भी नहीं है। आलू पालक? हाँ आलू पालक, आलू पालक नहीं तो क्या? आलू पालक नहीं ले आए, और क्या? कोई और चीज ले आए ना, और क्या? मुझे यार बता दिया करो, ऐसे मैं अपनी मर्जी का ले आऊंगा, फिर कहोगे कि यार ये चीज मुझे माड़ू अच्छे लगते हैं, मैं वो ले आऊंगा फिर। माड़ू फिर आप ले तो आते हो लेकिन खाते तो नहीं हो? खाता तो हूँ। नहीं कब खाया है? मैंने दो तीन मरतबा खाया है। अच्छा फिर वीडियो को बंद करो, फिर सोचते हैं, फिर करते हैं। चलो जी दोस्तों, पहले वीडियो बंद करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर कुछ करते हैं, उसके बाद जो है आज हमारा ऊपर वालों को किसी को, चलो उधर मैं वो अभी रूटीन दिखा दूंगा, बाकी ये सब्जी का पूछ लूँ, फिर चलते हैं चौक पे। ओके हो गया। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक हो? तबीयत ठीक है, खुश हो? ठीक। कहाँ मेरी अम्मी कहाँ चली गई थी, मेरी सोनी अम्मी? मेरे पहले ओडे फौत की तगे से। अच्छा तुसा सुते पे आवे उठाया कान से आता है जवान सुते पे नोन मला ओडे ही फिर रात रा बजे इतरी थे मैं शबाज को आके से वो मोटा सा कल से गयो छदा मिराज छदा फौत थी। अच्छा मिराज भांड? हां वो तो इतना लिल्ला है भाई, नहीं ले राजी हो अल्लाह पाक से देखा ना आते हूं को ए देलाला तो कैसा रास या कि ने गुड देखता हम थे गए थे तो कोई मैं करना ते हाज नु कैसा। अच्छा
अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और उधर से फिर वापस आई, फिर वाला इथई आईया आ बैठिया थोड़ी देर तय ते वाला छुएर आ गई है या भी बिरयानी काट दे गए डाले एक और नाम नहीं आंदा चाचा कबाब वाला के मासी ते सारी मेरी मां दा 4 साल दा खत्म। अच्छा पैसे शक्के चाहिए वेंदी है। अच्छा वाला वो नहीं पे गया मैं तो सूरता पर बैठा मैं पढ़ देना चाहू मैं ओडे रोटी पके प्यार मैं उन्हें नाल बैठ रह गया ओडे चपनी दे विच आते वो रे कमरे पढ़े ने बैठा सही वाला पार ते हुन अगे रे खत्म कीते ने वाला खरे चले ने बाद में खा दे दी गई। सही सही। और जी अमीना को देखें, ये इसका ना ये इसका मूड खराब है और जो इसके मूड के खराब की वजह से आप लोग फिर कहते हो कि इसकी ना बातें आप इसको जब जबरदस्ती चिढ़ाते हो। हाँ जी हाँ जी तो मेरे को घड़ी बनवा दे। घड़ी बनवा दे बाप घड़ी देना हाथ वो कपड़े फट जाएंगे देखो ना। घड़ी देना घड़ी बनवा देता हूँ दे मुझे दे मुझे दे दिखा मुझे दिखा छोड़ दे छोड़ ये इसकी बनवानी है निकल पहन। हाँ या पैसन सुई तो वाला वे चल या पैसन सही ये जरा ये नाल पट्टा नहीं दे वही पैसन सही ठीक है बनवा के आता हूँ बस अब ठीक है। माफ कर दे वहाँ तो फिर मुझे क्यों तंग करती हो आप फिर तंग ना किया करो ना अपने भाई को। हाँ मुझे तंग करती हो फिर इसलिए तो माफी तो फिर मांगती हो या पहले ना तंग किया करो ना। अच्छा चलो बस चुप कर अब रोना बस चुप करो मैं जाता हूँ अभी बनवा के आता हूँ ठीक है आप खुश रहो बस। हाँ और अम्मी जान ऊपर वालों का किसी का रोजा है या ऊपर वालों का नहीं है? अच्छा चलो जी चलो जी दोस्तों अभी जो है मैं चलता हूँ चौक पे थोड़ा सा सामान लेना है क्योंकि मेरे दो दोस्त वो आ रहे हैं अहमद जिनका नाम सुना होगा तो वो आ रहे हैं उनको भी रोजा है तो वो कहते हैं कि अलदा भाई हम रोजा इफ्तार बारिश रोजा इफ्तार करने आ रहे हैं तेरे घर में तो अपना इफ्तारी का सामान लो। तो फिर जाता हूँ मैं चौक पे उधर से सामान लेके आता हूँ और ऊपर का जो माहौल है वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को ऊपर वाले। सुभान अल्लाह वाबे हमदही सुभान अल्लाह अज़ीम। ये देखें जी माशाल्लाह फुल बारिश वाला माहौल बन चुका है कल जैसा दिखाया था। कल तो कुछ हल्का फुल्का था आप देखें ये। और इधर जो है हाँ जी भाभी जान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो ठीक नहीं होगी ना? तबीयत ठंड लगी हुई है सुबह उधर गए थे ना फातकी पे बहुत ठंडी हवा थी। भाई जान कहाँ गए? वो नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। रोजा है आपको? नहीं। भाई को शानू को? किसी को नहीं है हमें तो पता भी नहीं। हमारी रोटियाँ फिर कौन उठा गया है रात? पता नहीं ये ले आए मेरे ख्याल में शहबाज और मिसबा। अच्छा हाँ मैं वो बोल रही थी कि रोटियाँ पका के रखी है मैंने जाके देखी तो 2-2.5 रोटियाँ पड़ी थी। मैंने काम तीन बंदे रोजा रखने वाले तो ये काम पड़ जाएंगे। फिर मुझे वो सलमा ने बोला कि रोटी पकाई थी मैंने पड़ी थी कोई उठा के ले गया है। मैंने कहा चलो सही हो गया। और आप ऊपर वालों का मैंने कहा अगर उठा गए होंगे तो रोज़ा रखा होगा लेकिन आप उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं आपके हिस्से का हमने रख लिया है। अभी जो है चलता हूँ भाई नमाज पढ़ रहा है ऊपर भाभी अकेली बैठी है और बाकी बच्चे वगैरह हैं। और बारिश जो है ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ये देखें ये ब्लैक ब्लैक जो है ये वाले हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है तो जल्दी से जाता हूँ फिर ना लेट ना हो जाए सामान ले आता हूँ। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ पैदल चौक पे क्योंकि बाइक जो है ज़ीशान ले गया है और मैं जाता हूँ चौक पे उधर से दोस्त अपने को बोलता हूँ वो बाइक देगा तो फिर सामान वगैरह लेकर ना घर दे जाऊँगा ऐसे तो लेट हो जाएगा फिर टाइम बहुत कम रहता है फिर उससे ये ना हो कि कुकिंग भी ना हो। तो अभी जाता हूँ उधर से सामान लेता हूँ फिर वापस आते हैं अभी चौक पर जा रहा हूँ। दोस्तों बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और मैं सामान लेकर आ गया हूँ चावल वगैरह दही वगैरह सलाद वगैरह तो बारिश भी हो रही है। वालेकुम सलाम आज ये मैं
मैं ऐसा भी जेडी थे से हाँ मैं मारिया में वाला गॉड सब घिना आया था अच्छा वाह जी वाह क्या बात है इसकी क्या बात है तो सलमा सेठ ओ सलमा सरदार अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह आ गए ना भाई जान भी ये लो दही वही सारा कुछ ये ना एक मिनट करके उतारो एक मिनट ऐसे जो कर रही हो सारा कुछ ये दही पकड़ो ये दही अच्छा हाँ ये चावल ये गोश्त हाँ जल्दी से इसको ना तैयार करो और टाइम बहुत थोड़ा है काफी हो गया है हाँ बस जल्दी जल्दी से ना इसको तैयार करो आप हाँ एक घंटे में हो जाएंगे इंशाल्लाह तैयार मैं भी साथ लग जाता हूँ ना मैं तब तक ना ये मिसाले वगैरह ये सलाद मैं बना लेता हूँ आप गोश्त हाँ, सिस्टर भी आई हुई है हाँ, ये भी सब नीचे मिल के काम करते हैं फिर चलो भाभी आ गई हाँ, सब मिल के खाएंगे चलो फिर ऐसा कर लो सही हो गया चलो जी सलाद वगैरह भी बना लो जल्दी से फिर अमीना आप क्या करोगी घड़ी बनवाई हाँ आपकी घड़ी वो बनवाने दे आया हूँ वो फिर कहता कि कुछ देर तक ले जाना हाँ देर लग जाएगी सही है ओके है चलो सही हो गया चलो जी सामान ले आया हूँ बाकी जो रूटीन है इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते हैं और बारिश भी बाहर हो रही है और पता नहीं लाइट का कि लाइट चली ना जाए बाकी देखते हैं जो रूटीन है इंशाल्लाह अभी गई है सही सही फिर आ गई चलो ये भी अच्छी बात है और बारिश जो है वो देखें मेरा मोबाइल भी गीला हो गया है मेरे कपड़े भी मैं बाहर से आया हूँ ना बाइक पे इसलिए फिर चलो जी हाँ फिर आ रही है हाँ आ रही है आ रही है बारिश आ रही है आ रही है ना चलो जी मिलते हैं फिर कोई देर में इधर जी मिसबा जो है चावल की सफाई कर रही है और इधर भाई जो है और भाभी जो है ये मिसाले वगैरह रेडी कर रहे हैं देखो जी छुरियां खिला रहे हैं तेज़ हो गए हैं टाइम बहुत कम रहता है तो इसलिए सपीड काम हो ही जा रहा है और अम्मी जान इधर बैठी हुई है देख रही है अमीना अम्मी के साथ बैठी हुई है अब्बू जान वो देखें मोटर बंद कर रहे हैं और बेगम साहबा वो देखें वो उधर गोश्त धो रही है माशाल्लाह सब बिजी हो गए एक मिनट में हर कोई काम को लगा पे आए हाँ टाइम जो थोड़ा है ना टाइम बहुत कम रह गया यार आज आपने पहला रोजा रखा है ना जब रमजान होगा तो देखें कैसा माहौल होगा रमजान में बहुत ज्यादा मजा आता है वो शहरी टाइम सारी टाइम माहौल बड़ा रहता है फिर अभी वो तो फिर ऐसे है ना पिछले साल तो वो था एक सिस्टर थी उसने भेजे थे ना पैसे कि पूरा माह रमजान इफ्तारी कराओ वो माशाल्लाह हमारी पूरी माह रमजान गुजर गया था चलो अल्लाह मालिक कोई नहीं माहौल बन जाता है बहरहाल रोजों में खास तौर और इधर बेगम को देखो गोश्त खा रही है धो रही है नहीं खा नहीं रही धुलाई करके आई हूँ धो अच्छी तरह धो लिया है हाँ ये देख लो बिरयानी मेरी फेवरेट है और मेरे दोस्तों को भी वो आते हैं वो आ रहे हैं तो फिर वो ये ना हो कि टेंशन हो उनको कि बिरयानी अच्छी नहीं पकी ठीक है आपने ना ऐसे जबरदस्त पकानी है अपने तरफ तो मैं बहुत कोशिश करूंगी ना लेकिन मैंने मुझे मेरे को ये भी पता है जो आपके दोस्त की अम्मी है ना वो जैसी बिरयानी बनाती है वैसी कोई भी नहीं बना सकता लेकिन उसके जैसा तो टेस्ट नहीं होगा लेकिन इतनी खराब भी नहीं होगी अच्छी होगी चलो सही हो गया चलो माशाल्लाह छिटते रखो चलो जी ये एक तो इस पानी का कुछ करो यार मैं तीन चार बार ना इसको मतलब कि अब मैं ये टूटी भी नहीं चला रही बच्चे चलाते हैं तो मैं पानी चला जाता तो इसको अभी फौरी तौर बंद कर दो वो नीचे उसका मैंने बोला था आपको पत्ती रुकती है पत्ती आप ऊपर से धो देती हो वो पत्ती की सारी उधर फंस जाती है सुराख में तो ये चीज है ना इस चीजों का ख्याल रखा करो वो इधर रखा था मैंने क्या होता है उसका वो डस्टबिन मैंने रखी थी स्पेशल किचन के लिए वो भी पता नहीं गायब हो गई हाँ भाई इसका ना नीचे पाइप निकाल के वो देखो नीचे वाला जो है ना वो बंद है वो जैसे भी वो नीचे खड्डा फॉलो हो जाता है तो बाहर पानी आने लग जाता है वो यही तो है ना वो पत्ती ऊपर चाय वाली पत्ती जो भी सालन बचता है सारा बिच सारा धो देते हैं तो वो फिर सुराख बंद ही होना है चलो कोई नहीं ये तो हो जाएगा बाद में यार आप क्यों परेशान हो गए देख रहे हो कि आज हल्ला गुल्ला मच रहा है क्या हो गया अचानक से सबको कुछ भी नहीं हुआ सही सही चलो जी कुछ भी नहीं हुआ आपकी बात मान लेते हैं कुछ भी नहीं हुआ
सही है, वेरी गुड। चावल खाओगे? बिया जो हुक्म करे सो वो खोसूं। वो क्या होता है? मैंने एक चीज आपको बोली थी। वो क्या होता है? उसके साथ चावलों का टेस्ट बहुत जबरदस्त बन जाता है। मेरे को लगता है वो लेकर भी नहीं है। आप जा रहे थे, मैंने उस वक्त बोला था। वो क्या हुआ यार? मैंने वो खट्टी इमली बोली थी आपको। इमली इमली इधर से ले आ यार, मैं पैसे इसको देता हूँ अभी से। ले 10-10 रुपए की होगी, बिल्कुल अच्छी भी नहीं होगी। दुकान से जो खुली मिलती है ना, बहुत जबरदस्त। वो आ गई है बाइक, आ गई है लगता है। चलो देखते हैं। चला जी, प्याज जो है रगड़ रही हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं। हाँ जी। और चावल इधर मिसबा ने साफ कर दिया, धुलाई भी हो गए और गोश्त भी इधर धुलाई हो गया। और वो देखिए मिसाले वो भी तैयार है। ओके हो गया। अब इसको कितनी देर में वो डालोगी फिर? अभी ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा कलर इनका चेंज हो जाए, तो फिर डालूंगी और मसाले। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दापोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दापोशी। मेरे जुर्मों तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने। सुभान अल्लाह। वो रात एक मैं सुन रहा था, अपना था उसका क्या नाम था, मैं वहाँ वो पहले याद कर लूँ फिर सुनाता हूँ। गोश्त भी इधर डाल दिया है, ये देखें प्याज ब्राउन हो चुके हैं और गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको जो है मिक्स करेंगे और ये जो है रंग भी चेंज हो गया। तो ये जैसे ओके होता है फिर आगे रूटीन इंशाल्लाह शेयर करते हैं। सही हो गया? हाँ जी। हाँ जी चला जी, अब जो है टमाटर और मिर्चों की बारी। हाँ जी। कमाल, क्योंकि आज और तरीके से बना रही हूँ ना, नया तरीका इस्तेमाल रही हो। हाँ जी। कोई मन ना मने ता ना मने वफा मेरे हुसैन भी। ये जो है ना, क्योंकि कोई कोई चिकन को ना पहले घी में जो है ना इसको फ्राई करते हैं ना, तो मैंने प्याज और चिकन और घी में पहले इसको पहले मसाले डाल दिया, फ्राई कर दिया। अब ऐसा ऐसा मसाले डालते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। अच्छा जी। चलो जी, रगड़ा दो माशाल्लाह माशाल्लाह रगड़ा दो, कोई बात नहीं, चलेगा इसका। सही है? डालते जाओ मसाले, डालते जाओ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, रोजा वगैरह थोड़ा कोई महसूस हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी पता भी नहीं है। सवेरे कितनी रोटियां खाई थी? कुछ भी नहीं। मैंने देखा था थाल पूरा खा रही थी। नहीं, ढाई रोटियां रखी थी, सिर्फ ढाई रोटियां खाई हैं। ढाई रोटी रखी थी मैंने, जो आधी रोटी थी मैंने वही खाई है, बाकी जो दो पड़ी थी वो अभी तक भी पड़ी है। असल में सर्दियों का मौसम है, अब गर्मी नहीं है। गर्मी होती तो वो अच्छा याद है, आज से तकरीबन जब मैं वासी की शॉप पे काम करता था फुल गर्मियों में, उस वक्त जो रोजे आए थे
वो ऐसे होता था कि सुबह रोजा रख के सुबह सहरी टाइम फिर नमाज पढ़ के सो जाना और फिर सुबह ड्यूटी के लिए 8 बजे 9 बजे जाना ना, तो फिर उसी वक्त ही मुझे रोजा लगना शुरू हो जाता था 8-9 बजे। गर्मियों के दिन होते थे वो बड़े गर्मियों के दिन, अब तो ऐसा ऐसा सर्दियों में आ रहा है ना। हाँ, अब तो मुसलमान हो संभल जाओ। हाँ, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी रखेंगे, जो बुजुर्ग है वो भी रखेंगे, सब रोजे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आसान हो गया है ना। जब गर्मियों होते थे मुझे पता है ना, फुल गर्मी होती थी और मुझे 9-10 बजे रोजा लगना शुरू हो जाता था। सही सही, गर्मियों में जो रोजे रखते हैं ना, फुल गर्मियों में मजा उस रोजे का आता है। वो बेचारे जो बर्दाश्त करते हैं ना, बस अल्लाह पाक उनके लिए जो है ना वो रोजा मजा करता है। ये जो रोजे है ना, ये दिल में और जिस्म को बिल्कुल थका देने वाला रोजा नहीं है ना, थका देने वाला रोजा जो था वो गर्मियों में होते थे। मैं ऐसे लगता था कि बस जिसमें सांस ही नहीं है, बिल्कुल दूल्हा पुला बेहोश हो जाते हैं ऐसे रोजे में जो है। हाँ, मुझे सिर्फ जितने जब से होश संभाला है रोजे रख रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बार रोजा बहुत तंग किया था। मतलब मेरी जो थी ना बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी उस वक्त जब मुझे बुखार था, मैं ड्यूटी से वापस आ गया था, याद होगा आपको। हाँ। रोजे भी लास्ट गुजर रहे थे। हाँ जी। इतनी गर्मी थी, ऊपर से मुझे फुल बुखार आया था, तो अम्मी और अमीना मुझे पट्टियाँ कर रही थी पानी की। हाँ जी। पुसियां कर रही थी अम्मी, तो भाई ने तो बोला रोजा तोड़ दो। मैंने कहा रोजा नहीं तोड़ूंगा, मर जाऊंगा रोजा नहीं तोड़ूंगा। हाँ, वो वाला जो रोजा था वो मुझे बहुत मतलब के बहुत लगा था, बहुत जिसको क्योंकि बुखार की वजह से लगा था, फिर बुखार था जोर का। सही हो गया जी, चलो इसको मिसाले को जो है ना, ये रगड़ाई हो रही है इसकी, देखें ये मिक्सिंग हो रही है। सॉरी मैं सर रगड़ाई रगड़ाई बोलता हूँ, बैर भाई बोलेंगे ये कौन सी रगड़ाई है इनकी। हाँ, अब जो है ना इसको भूनते हैं। हाँ। जब इनकी भुनाई हो जाएगी, पानी ऐड करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। हाँ। फिर पानी डालेंगे, उसके बाद फिर जब पानी उबलेगा फिर आपको बुलाएंगे। सही हो गया। कोई ना मने ता ना मने वफा मेरे हुसैन दी, करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगती हूँ। करम हंसी क्यों, नात में हंसना नहीं चाहिए। ऐसी नात पढ़ने में ना रोना आता है, इसलिए मैं हंसने लग गई। अच्छा, ऐसे नाक पड़ने से रोना आ जाता है। देखो जवेरिया, आपकी मम्मा को काम देखो, अब इसके इसको हम पता क्या करें। तेरी मम्मा को दे कर अभी मुंडी, अब मंडी लगेगी जुम्मा वाले दिन, मंडी लगा के ना कोई 2-4 ले घिनाते हैं। नहीं, ठीक है नहीं। ये चली जाएगी, हम 2 ले 2 बकरियां ले आएंगे और 2 क्या घिनाएंगे, या 1 मंज घिन आएंगे। नहीं, वो 10 किलो दूध देगी सुबह, 5 किलो शाम को, 5 किलो फिर दूध पियेंगे, मौज करेंगे। नहीं। ये तेरी मामा दे आते हैं। नहीं। सही है। हाँ जी, हाँ जी, बोल दो बेटा, बोल दो, बोल दो। नहीं। हाँ, सही है ना, दूध पीना, मोटी हो जाना माशाल्लाह, ऐसे फिर ताकत आ जाएगी, फिर पढ़ाई में तेज हो जाओगी। ये तो देखो ऐसे इसको के, ये किस खाते में है देखो तो सही, ऐसे सालन पकाती रहती है बस, और क्या, और नात पढ़ते पढ़ते हंस पड़ती है। नहीं, नहीं, चलो आपकी मर्जी। मैं तो कह रहा था कि सौदा लगा देते हैं, कोई कट्टा शट्टा वच्छा ले आते हैं इसको देख के, लेकिन आप नहीं मानती तो आपकी मर्जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर देखें जी मिसाले वगैरह, भाईजान रो रहे हैं, हम दोनों मियां बीवी बैठे रो रहे हैं अकेले, कोई पूछने वाला भी नहीं है हमसे। क्यों रो रहे? अच्छा मैं पूछता हूँ, क्यों रो रहे हो? प्याजों की वजह से रो रहे हो, वो प्याज बहुत कड़वे होते हैं ना इसलिए। और यहाँ पर धनिया भी काट दिया है, और मिसबा जो है खीरे काट रही है, और भाई और भाभी, ओ सॉरी भाई और भाभी ये प्याज काट रहे हैं। हाँ, प्याज काट रहे हैं। इधर मसाला ये तैयार होने वाला है, और वो का दूध ले आए, दूध ले आए, और दूसरा दही शरीफ की था, दही शरीफ। हाँ, गिर गया था। हाँ। अच्छा चलो वो करो, दही कहाँ है? दही हमने तो नहीं कहा, अंदर है। चलो फिर ये दूध दे दो, अपनी खाला को दे दो, ये भी फिर चाय वगैरह तैयार कर लेंगे। दही का रायता बनाना है,
नहीं नहीं रहता रहता बनाना है उसको। चलो जी ओके हो गया जी, जो रूटीन है इंशाल्लाह फिर शेयर करते हैं आप लोगों से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मिसाले जो है ये देखिए रेडी हो रहे हैं और दूसरी गैस आ चुकी है अब ये रेडी। हाँ जी चिकन की भुनाई हो चुकी है क्योंकि टाइम हमारे पास ना सिर्फ 15 मिनट रहते हैं, 15 मिनट में अभी हमारे चिकन की भुनाई हो रही है तो अजान से पहले ये बन जाए। बस अभी मैं पानी ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी ऐड हो रहा है। एक और एक डालती हूँ मैं आधी बाल्टी। वो एक सिस्टर बोल रही थी कल जो आपने ना सेवियां बनाई वो बोल रही थी कि चीनी तो नहीं दिखाई कब डाली है। वो मैंने वीडियो में बोला था कि चीनी मैंने डाल दी है, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी वो पहले जब हर चीजें डाल रहे थे ना मेरे को भूल गई थी, फिर बाद में ख्याल आया अचानक से तो फिर मैंने डाल दी थी। अच्छा। फिर मैंने वीडियो में भी बताया था कि चीनी मैंने डाली है, कहीं ये ना बोलना कि चीनी से बगैर बनाया है। परी क्या पढ़ रही हो इधर देखो इधर रोक के। हाँ बताओ क्या पढ़ रही हो। सुभान अल्लाह पढ़ रही हो। वाह जी माशाल्लाह जी ये तस्बीह उठा के ना सुभान अल्लाह पढ़ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ जी ओके हो गया इधर सलाद वगैरह। सलाद ओके हो गया बस लास्ट काम ये रहते वाला रहता है इसमें दही डालने का। सही सही चलो जी। मैंने उसको दोस्त को कॉल भी किया है वो कहता है कि मैं ना रास्ते में हूँ और क्योंकि मौसम है ना बारिश का और बारिश हो रही है ये देखें पानी रुक गया है इधर बारिश आई है बारिश हुई है और मज़ीद पता नहीं हो रही है या नहीं। हाँ हो रही है किड़ मेड़ हो रही है छोटी छोटी बारीक वाली तो वो जो है ना कहते हैं कि हम रास्ते में आ रहे हैं वो आते हैं फिर इधर बैठक में माहौल बना के बिठा देंगे। ठीक हो गया क्या पढ़ रही हो। सुभान अल्लाह पढ़ रही हो। आप क्या पढ़ रही हो। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ो पढ़ो शाबाश। हाँ जी सुभान अल्लाह पढ़ रही हैं तस्बीहें उठा के। पानी उबल गया। पानी देखे जी माशाल्लाह उबल रहा है और इसके अंदर आप डालते हैं चावल कढ़ाई में पक जाएंगे। अभी ये जो है ना ये बड़े होंगे ना बड़े तो होंगे ये कढ़ाई से बाहर तो नहीं आ जाएंगे पकड़ना पड़ जाए फिर इनको पता नहीं बाहर निकल कर भाग जाए फिर क्या करेंगे। मैं इसका पानी निकाल दूँ उधर फिर चलो जी सही कोई जी। माशाल्लाह जी इधर देखें चावल इसके अंदर डाल दिए और पानी उबल रहा है तो मजीद इसको जो है ना वो भी डाल देते हैं। तो जी दोस्तों माशाल्लाह से अजान हो रही है मगरिब की और रोज़ा इफ्तार करते हैं। सलमा सलमा रोज़ा इफ्तार कर लो अजान हो रही है। हाँ नमक ले आओ जल्दी से नमक ले आओ ये इसको खोलो। अब ऐसे खड़े खड़े रोज़ा खोलें इसका दुआ मांग लेते हैं और कोई है चीज़ नहीं ना जवेरिया पकड़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। يا الله پاك جو میں نے روزہ رکھا سلمان نے روزہ رکھا اسے اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما। یا اللہ پاک کے سب رزق کے سب کے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرے سب رشتہ داروں کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما। یا اللہ پاک مجھے اس روزے کے صدقے مزید سب روزے رکھنے کی پورے ماہ رمضان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما। یا اللہ پاک میرے گھر میں مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما। یا اللہ پاک جو بھی میرے بہن بھائی دیکھنے والے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما। جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما।
जो जिस हालात में जिन हालातों में परेशान है अल्लाह पाक उनके हालात उन मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह पाक सब मुसलमानों की खैर फरमा, मुल्क इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, सबकी खैर फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा नमक खाओगे थोड़ा सा खाना होता है। पानी खड़े होकर नहीं पीते, पानी बैठ कर पीते हैं। प्यास ही नहीं है, मैं इतना पिया है, नहीं पिया जाता, मुझे भूख लगी हुई है, प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। खीरा खा लेता हूँ, खीरा। तो जी माशाल्लाह से हमारा रोजा इफ्तार हो चुका है और चावल बन रहे हैं और मेरे दोस्त वाले वो भी रास्ते में आ रहे हैं, समोसे वगैरह कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं, बिरयानी बन जाती है और मैं जल्दी में था, मुझे भूल गया, नहीं तो खजूर या कोई फ्रूट लेकर आता। तो अभी जो है ये सामान लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह फिर अगली बार देखते हैं और अभी जो है इसके साथ ही गुजारा कर लेते हैं। ऐसे है मीना, आपने रोजा रखा फिर? हाँ, रोजा इफ्तार हो गया। हाँ चलो जी, चलो जी, ओके हो गया, मिलते हैं फिर कुछ देर में। माशाल्लाह जी इधर बैठ चुके हैं, सलाद इनका इधर रखी चुका है और अम्मी अब्बू कहाँ है? अम्मी अब्बू अपने कमरे में हैं फिलहाल, कहते हैं सर्दी हैं, जब सब कुछ रेडी हो जाए तो फिर हमें बताना। सही हो गया जी, चल सही है, चल भी आते खाजा, इधर आ जा। चलो जी माशाल्लाह, और इधर जो है चावल को कितनी देर है? दम दम यक दम, अभी उतारते हैं ना। अच्छा, दम 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 पाटते हैं, दम पाटते हैं, दम पाटते हैं और लोग चेक कराते हैं हमारे जो है आज वो दूसरे तरीके वाली बिरयानी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह। ओह, ये चावल है, गोश्त कहाँ गया? गोश्त भी है माशाल्लाह। इसके लोग चेक करें, अभी इसको मिक्स करेगी फिर दो पता चलेगा। यार मिक्स तो नहीं करते, ऐसे टूट जाएंगे मिक्स करने से? हाँ मिक्स करते हैं ना। नहीं, मिक्स करने से टूट जाएंगे। टूट जाएंगे, हाँ। नहीं करें? नहीं, बस एक साइड से डालते रहना बस। ठीक है जी, ये देख लें, इंशाल्लाह जब प्लेटों में डालेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। सही हो गया। हाँ, ये हमारी ना वो व्हाइट बिरयानी बन गई, व्हाइट बिरयानी, व्हाइट पुलाव होता है ये, बिरयानी नहीं है, पुलाव बन गया क्योंकि हल्दी कम डाल दी है ना, हल्दी ज्यादा डालते तो दूसरी होती पुलाव, लेकिन हमारा जो है ना व्हाइट पुलाव बन गया। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बना है ना। सही हो गया दोस्तों, नमाज जो है पढ़ ली है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है बाकी की सिचुएशन देखते हैं, इधर तो कोई नहीं, ये देखें सारे मेरे का नमाज पे चले गए हैं, कोई कहाँ चला गया तो कोई कहाँ चला गया है, और बारिश बाहर हो रही है थोड़ी थोड़ी, और मेरी मैडम साहबा जो है इधर ये क्या कर रही है, चार तैयार हो गए, नमाज पढ़ ली माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी जो है सलाद वगैरह रहता है यहाँ पर, सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी जो है मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ, वो पता नहीं कहाँ लेट हो गया है, अजान भी नमाज भी पढ़ के आ गया हूँ, अभी तक पता नहीं कहाँ है, तो उसको पूछता हूँ, वो आता है फिर इंशाल्लाह खाते हैं, इंशाल्लाह सबको दिखाते भी हैं, शेयर भी करते हैं। नमाज आपकी हो गई है ना? हाँ जी हो गई। बाकी सब ने पढ़ ली? कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने पढ़ ली, कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो सही हो गया। चलो जी मिलते हैं फिर कुछ देर में। माशाल्लाह जी दाम पाट लिया है। हाँ जी हाँ, मौलवी अफजल भी ऐसे कहता है, दाम पाट लिया है। चलो जी दाम पाट लिया है, और ये जो है डब्बे, ये डोंगे, इनको मिक्स कर लेते, वो देखे कहीं से और कलर नजर आता है और कहीं से और कलर। चलो जी कर दो मिक्स, कर दो बस, मेरी ना मानो, कर दो, शाबाश करो, शाबाश। हाँ रगड़ के हैया, लाल कलर नीचे है इसलिए तो कह रही थी। चलो करो करो मिक्स करो, शाबाश। ए बेबी डाल देना, ए बेबी डाल दे, ए बेबी वेच डाल दे, डाल दे फिर जो है ना दोबारा, ए गिनो ए बेबी वेच डाल लीजिए है। हाँ वो देखे बग्गे हैं, मैंने मजाक नहीं की। हाँ वो भी बग्गे हैं, वो भी बग्गे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपके बिरयानी का फैन हूँ, ये तो शोधा बंदा है, मैं तो आपके आपके लिए लाइक होते हैं मेरे।
इसके लिए तो क्या इसको नहीं लाइक नहीं देता मैं इसको लाइक देने वाला खड़ा हुआ हूँ। हाँ और बहुत सारे लाइक नहीं चाहिए लाइक नहीं चाहिए लाइक नहीं होता लाइक होता है में बोलते हैं अनूठा अंगूठा। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या समझ आता है परी क्या बोल रहे हैं हच्छो कहते हैं हच्छो लाइक दो आपकी मम्मा को लाइक हो गया आप करें मम्मा को लाइक करो लाइक करो। हाँ जी और अम्मी जान भी आ गई है माशाल्लाह से और अब्बू जान उधर बैठे हैं आ जाए फिर अम्मी जान अपनी सीट संभालें और सबको इधर बिठाएं। चलो जी सब बैठ जाओ सीधे हो जाओ और यहाँ पर जो है शुरू करते हैं ये सही है। इसका एक ढकना बंद करो। हाँ इसका ढकना बंद करो दूसरा फिर इसको डालो। इसका हिसाब आप बताएं कि वो जो है ना आपके दोस्त चिकन कम खाते हैं या ज्यादा चिकन ज्यादा खाते हैं वो चिकन और ज्यादा खाते हैं लत्ता ज्यादा खाते हैं लत्ता नहीं मैंने इसलिए ली भी लते हैं सब टांगे हैं मुर्गी के बिरयानी में टांगे ही अच्छी लगती हैं। हाँ वो दूसरी फिर वो फंस जाती है डंडों में। चलो जी माशाल्लाह इधर डाल रही हैं और अम्मी जान आ जाएं आप दूर दूर से दूरों दूरों वो नहीं वो तो डब्बे में डाल रही है बाकी सब को आपने देना है ना वो तो अंदर के लिए है ना मेहमानों के लिए बाकी जो है इधर सबको देनी है। चलो जी मिलते हैं। माशाल्लाह अब्बू जान कैसे बनी है पुलाव बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी खाओ खाओ बिस्मिल्लाह और जरूरत पड़े तो बोल देना मुझे ठीक है। अच्छा जी हाँ जी माशाल्लाह जी अब्बू जान इधर खा रहे हैं मेहमान आ रहे हैं रास्ते में आ जाते हैं फिर इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारा जो है ना 15 रोजा नहीं शबान का रोजा। हाँ जी माशाल्लाह जी हमारा जो है ना शबान का रोजा इफ्तार हो चुका है। साहब देखें इधर अपना खाना वगैरह खा रहे हैं बिरयानी पुलाव पुलाव खा रहे हैं। हाँ जी सबको मेरी तरफ से शबान का रोजा बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी सबको सब देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक और माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली जो है अब खाना वगैरह ये हमारी पुलाव जो है यहाँ पर खा रहे हैं अबू जान उधर खा रहे हैं और यहाँ पर ये सब खा रहे हैं और मेरे मेहमान जो है वो भी पहुँचने वाले हैं तो मैं उधर जाता हूँ वहाँ भी यहाँ पर जो सारा ये दस्तरखान लग चुका है उधर का भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बाकी आपने रहना है साथ। माशाल्लाह जी यहाँ देखें ये मैंने दस्तरखान लगा दिया है सलाद वगैरह और चावल पानी यहाँ पर सब कुछ ये रेडी है और मेहमान जो है मेरे वो अभी तक नहीं पहुँचे पहुँचने वाले हैं कॉल किया कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट तो वो गए थे थोड़ा सा काम इसलिए फिर लेट हो गए वो आ रहे हैं वो जैसे आते हैं इंशाल्लाह फिर खाते हैं सही हो गया। तो जी दोस्तों फाइनली जो है मेहमान आ चुके हैं माशाल्लाह इनका इंतज़ार था काफ़ी देर से और वेलकम हो गया। अस्सलामु अलैकुम भाई जान क्या हाल है ठीक है तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम भाई बहुत देर कर दी यार आप लोग मर्जी है यार मैं काफ़ी देर का इधर भूख से मरा जा रहा हूँ इंतज़ार नहीं बैठा। चलो जी माशाल्लाह से मेहमान आ चुके हैं और बैठते हैं इधर खाना वगैरह खाते हैं तो फिर मिलते हैं कुछ देर में और वो मेरे समोसे लेके आए हो वाह जी वाह क्या बात है। चलो जी समोसे भी आ गए हैं तो फिर खाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है और मेरे दोस्त जो है वो बैठे हुए हैं बैठक में वो उन्होंने भी खा लिया है मैंने भी खा लिया है तो अभी जो है वीडियो का भी एंड करते हैं वीडियो लंबी हो चुकी है। अच्छा सही है हाँ तो जी दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हमें रखें तो उम्मीद अल्लाह हाफिज़ बाय।